हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लौकी की मज़ेदार सब्जी की रेसिपी लेके आए हैं, जो लौकी के छिक्कल से बनी हुई है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए रेसिपी देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी के छिक्कल की सब्जी बनाने के लिए ये हमने एक लौकी का छिक्कल को कट कर लिया है, जिसे मैंने दो तीन पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। तो अभी इसको ना हम बॉईल कर लेंगे, उसके बाद सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बॉईल कर लेते हैं। देखिए, उसी लौकी के छिक्कल को मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 3 कप पानी, और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हम गैस पर चढ़ा देते हैं बॉईल होने के लिए। देखिए, लौकी के छिक्कल हमारे बॉयल हो चुके हैं अच्छे से। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने जार में 3 से 4 हरी मिर्ची ले ली हैं, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक का टुकड़ा और लहसुन की कलियां। तो इन सब का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसका मैंने बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है। और इधर मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच चावल का आटा। तो इसको हम ऐड करेंगे सब्जी में, इससे हमारी सब्जी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और टेस्ट भी उसका अलग आएगा। सबसे पहले गैस पे मैंने एक पैन को चढ़ा लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा को अच्छे से क्रेक होने देंगे। फिर इसमें हम प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है, जिसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी में हम साथ में ही मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि मैंने पहले ही बॉयल करते समय ऐड किया था। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर, अब इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको करीब हम 2 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। देखिए, मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, देख सकते हैं। ऑयल मसालों से अलग हो गया है। अब इसी में हम डाल देंगे जो लौकी के छिक्कल मैंने बॉईल किए थे वो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है और हेल्दी भी होती है, तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें। अभी इसमें हम साथ में जो मैंने चावल का आटा लिया था वो ऐड कर देंगे। चावल के आटे को ऐड कर दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बस हल्का सा ही पानी ऐड किया है। अब इसको हम ढक के करीब 5 मिनट तक पका लेंगे। देखिए, 2 मिनट तक ये सब्जी हमारी पक चुकी है। अब इसी में हम 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डालने से खट्टा फ्लेवर आ जाएगा और सब्जी खाने में और भी टेस्टी लगेगी। बस इसको हम 1.5 से 2 मिनट और पका लेंगे, ताकि नींबू का रस अच्छे से मिल जाए इसमें। ये देखिए, सब्जी बनकर हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। तो इसको अलग प्लेट में हम निकाल लेते हैं।
ये देखिए सब्जी को मैंने निकाल लिया है, तो हमारी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए, हमारी रेसिपी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।